Hello everyone and welcome back to Skillbuzz, I am Navya and I am back with another very interesting and important video. The topic for today's video is best email phrases to use at work. Now if at all you are working and even if you are not and you will karoge aage, and even if you are a college student then this video is be very beneficial hone wali, and I would request you all to video till end, you will definitely gain something out of it. सो so, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ईमेल फ्रेज़ेस हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए एंड विच आर प्रोफेशनली अप्रिशिएटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ आस्ट डोंट नो कि क्या हमें ई में हमें क्या लिखना चाहिए कि सामने वाले को वो चीज़ सही लगे इफ़ यू आर न्यू टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड एंड आपने जस्ट रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एंड आपके एक छोटे सी छोटी सी गलती ईमेल में या आपने कुछ चीज चीज सही नहीं लिखी तो दैट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट सो आज हम देखेंगे ऐसे क्या ईमेल uh, के फ्रेजेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं विच विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आस सो लेट्स बिगिन तो जो सबसे पहला है दैट इज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ

दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट दी अदर पर्सन नोज कि मुझे मेल आया किसका है आप खुद सोचो आपको एक मेल आया एंड उसमें पता ही नहीं है वो मेल किसका है आप रैंडमली बस उसे पढ़ रहे हो आपका मन ही नहीं करेगा उसे पढ़ने का सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ बाई यूजिंग दिस फ्रेज द नेक्स्ट फ्रेज इज होप दिस ई मेल फाइन्स यू वेल नाउ एक ई मेल का एक एटिकेट होता है प्रॉपर कि आपको जो फॉलो करना होता है एंड उसमें ये चीज़ लिखने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है व्हेन यू राइट होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल जिसको आपने भेजा है उसे ये नहीं लगता कि आपने सिर्फ अपने काम के लिए अपने मतलब से ई भेजी है इफ़ यू राइट दिस प्लेस होप दिस ईमेल फाइनज यू वेल दे थिंक दैट ओके एटलीस्ट उन्होंने मेरा हालचाल लिया आप खुद सोचो ई इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन राइट आप खुद सोचो आप किसी इंसान से मिले आपने उसको सीधा बोल दिया अच्छा सुन मेरे को तेरे से ये काम है या दिस What I want to say that is very rude, right? generally How are you doing? How are you? So, in the email, also you can write this line which says hope this email finds you well, and then continue with whatever you have to say. The next phrase is it's great to hear from you. सो इफ एट ऑल आपको कहीं से मेल आई है एंड आपको उसका जवाब देना है ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो विच सेज इट्स ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू टू अप्रिशिएट के सामने वाले ने आपको कंसिडर किया एंड आपको वो मेल भेजा ऑल राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट जो है इट सेज आई एम ईगर टू गेट योर एडवाइस ऑन अब ये आप फ्रेज तब यूज कर सकते हो जब जब आपको किसी का सजेशन चाहिए हो लेट्स आपको अपने इफ आप कॉलेज में हो, तो आप अपने सीनियर को या अपने मे बी टीचर को प्रोफेसर को आप मेल लिख रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो आई एम ईगर टू गेट योर एडवाइस ऑन एंड इफ यू आर वर्किंग तो आप अपने सीनियर्स या बॉसेस जिनको भी आप मेल भेज रहे हो एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यू you नो know, मैं सीनियर्स को भेज रहे हो दे मे बी योर कलिंग्स तो आप मेल में ये लिख सकते हो दैट ईगर टू गेट योर एडवाइस ऑन सो दैट दे नो कि आपको कोई आप डिस्कशन करना चाहते हो एंड वो उस ई मेल को एक उस परस्पेक्टिव से पढ़ें सो यू कैन स्टार्ट योर ई मेल विद दिस फ्रेज The next phrase is I am reaching out about. This phrase simply tells कि आप ये mail लिख क्यों रहे हो ताकि सामने वाले को पता हो कि ये mail होगी किस बारे में. So this is simply just giving a summary of your mail. It makes easy easy for the reader. The next is Thank you for your help. And ये बहुत एक बहुत general सी चीज़ है. आपको सुनके भी लग रहा होगा कितना general सा phrase है. But इवन ये इतना जनरल है तब भी बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज करते आपको हमेशा अप्रिशिएट करना है सामने वाले को आप अच्छे से बात करोगे राइट यू विल आस्क कि हाउ इज़ दैट पर्सन डूइंग देन यू कैन थैंक देम फॉर देयर हेल्प सो जेनरली आप ये फ्रेज लिख सकते हो दैट थैंक यू फॉर यर हेल्प टू एक्नॉलेज फॉर द हेल्प लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर द अपडेट इफ़ लेथ से आपने अपने किसी कलीग को या अपने जूनियर को आपने भेजा है तो आप उनके मेल का रिप्लाई कर सकते हो बाय सेइंग दैट थैंक यू फॉर द अपडेट दिस इज वेरी प्रोफेशनल एंड इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव रिस्पांस फॉर यू बिकॉज जब आप ये लिखते हो तो सामने वाले को फील होता है दैट एटलीस्ट द पर्सन इज एक्नोलॉजिंग माई मेल उन्होंने पढ़ा है एंड दैट पर्सन इज एक्नोलॉजिंग इट द नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपका मेल आपको किसी का मेल आया है एंड दैट पर्सन ट्राइज टू कनेक्ट विद यू ओवर सम टॉपिक यू कैन सिंपली यूज दिस फ्रेज विज थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच द नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स नाउ द फ्रेज इ्फ सजेस्ट किए किस बारे में बात कर रहा है uh, आपने अगर लेट से किसी को कुछ अर्जेंट बेसिस पे मेल भेजा था एंड यू वॉन्टेड दैम टू यू नो रिस्पॉन्ड इन सम अर्जेंट बेसिस तो उनके रिप्लाई पे आप ये लिख सकते हो थैंक यू फॉर द क्विक रिस्पॉन्स लेट्स मू वॉन एज बी डिस्कस्ड ओवर कॉल ना ये फ्रेज जो है ये बहुत केसेज में इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लेट्स से की आप एक फॉर्मल सेटिंग में हो यू एट योर ऑफिस एंड आपकी पहले कुछ आपकी क्लीग से लेट्स कोई ई मेल पर बात हुई एंड देन यू गाइज हैडोर्ड ओवर द कॉल जिसपे आपने कुछ और चीजें डिसाइड करी एंड कुछ और एड ऑन किया सो so, आप एक मेल लिखेंगे उसके रेफरेंस में सो दैट इट इज इन द रिक्ड राइट क्योंकि कॉल्स को इतना ज़्यादा कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं माना जाता सो so, आप जो है फॉर रिकॉर्ड एक ई लिखेंगे एंड उस ई में आप ये लिखेंगे दैट एज वी डिस्कस्ड ओवर कॉल टू गिव द रेफरेंस की ये बात कहाँ पर हुई थी राइट सो दिस वी कैन यूज द नेक्स्ट इज कैन यू प्रोवाइड मी एन अपडेट ऑन

दिस इज यूज फॉर अवर रिप्लाई कोई भी ई मेल जिस जिस जिसमें आप रिप्लाई कर रहे हैं उसमें आप ये यूज कर सकते हैं बट आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट एंड फर्दर यू कैन टेल कि यह क्या टॉपिक है जिस बारे में आप बात करने वाले हैं सो गायज दीज वर द फ्रेजेज विच कैन बी यूज एंड विच शुड भी यूज एट वर्क प्लेस दे विल मेक यू साउंड वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर द राइट वे टू कंडक्ट दे आर द राइट वे टू अप्रोच सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डू फॉलो आवर चैनल हम बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज डालते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस एंड डू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो